तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फोटोज के एक नए अपडेट के और कमाल के नए फीचर के बारे में, जो कि रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया और बहुत ही यूजफुल फीचर है। ये फीचर मुझे तो बहुत शानदार लगा। कैसे अपन इसको यूज करेंगे, कहाँ मिलेगा, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, और साथ में हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताने वाला गूगल फोटोज के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल फोटोज को अपडेट कर लेना है। अगर आपके पास अपडेट नहीं है या अपडेट अवेलेबल दिख रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद ही कुछ ना कुछ नए फीचर एड ऑन होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मली वर्जन है, कोई बीटा वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास ये फीचर आ चुका है। तो आपको इसको अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, अपनी कोई सी भी एक एल्बम पे चले जाना है। तो कोई सी भी आपको एक एल्बम में चले जाना है जिसमें आपकी फोटोज या वीडियोज हो, जिसमें से आपको कुछ क्रिएट करना हो। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है फोटोज और वीडियोज को, वहां पर सिलेक्ट कर लेना है जिन फोटोज वीडियोज को आपको एक आपको मूवीज में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर मूवीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। मूवीज का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे एक नया सा लेआउट आपको वहां पर मिलेगा। बट पहले जैसे कि आप उसको ऑन करना चाहेंगे, जब सब इसको आप यूज करेंगे, तो पहले वो क्या बोलेगा कि इसको पहले आप अपलोड करें अपने गूगल फोटोज में। तो उसको अपलोड होने देना। अपलोड होने के बाद जैसे ही आप उसको जैसे ही वो चालू होगा, तो एक मूवी आपको एक बोल सकते हैं एक एडिटर मिलेगा, वीडियो एडिटर, जैसे कि नॉर्मल वीडियो एडिटर होता है वैसा आपको एडिटर मिलेगा। उसके अंदर आप अच्छे से फोटोज वीडियोज एडिट कर सकते हैं, म्यूजिक एड ऑन कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार फीचर लगा यार मुझे। तो आप देख रहे हैं ये आ चुका है नया लेआउट, पूरी तरीके से एक नया लेआउट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर फोटोज होंगी, जो भी वीडियोस होंगी, सब आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आपको पूरी तरह से ये लेआउट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हो गया। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिखा हुआ है। अब इसमें जाएंगे तो आप इसका ये चेंज कर सकते हैं, क्या बोले तो डायमेंशन या बोले साइज या इसका किस उसमें दिखे, तो आप उसको यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हैं। 5.4, 16.9 या आपको कौन से उसमें चाहिए, तो आप पूरी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे वहां पर चेंज कर लेना है। उसके बाद आएगा आपको मेन चीज यहाँ म्यूजिक का, तो यहाँ पर आप म्यूजिक डाल सकते हैं। माई म्यूजिक मतलब जो भी आपके मोबाइल की फोल्डर हो या जो भी आपके पास हो उसमें डालना हो तो उसमें से डाल सकते हैं, या थीम म्यूजिक में आएंगे तो थीम म्यूजिक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ड्रम से इलेक्ट्रॉनिक, रिफ्लेक्टेड, रॉकिन, अपबीट्स, और ये सब आपको बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत, बहुत सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी चूज आउट कर सकते हैं और वो वहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें और कोई फोटोज या वीडियोस को ऐड करना चाहें, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके एड ऑन या कुछ भी जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ अपडेट या कुछ साइज, जैसे आप देख रहे होंगे इतना दिख रहा है, तो आप इसका साइज वाइज भी यहाँ पर चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। मोशन डालना है तो यहाँ पर मोशन डाल सकते हैं कि कैसा मोशन है, जैसे कि मैंने मोशन डाल दिया पैन, जो आप देख रहे होंगे ये मोशन दिख रहा है। तो आप अलग अलग यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल उन्हीं में एक ही मोशन दिया गया है पैन जूम का, तो आप यहाँ पर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। पूरी तरीके से आप ये यहाँ पर चेंज करके इसको सेव करके इसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर दिया गया। उसके बाद बात करें दूसरे जो फीचर, इसी से रिलेटेड एक और फीचर है यहाँ पर जो कि बहुत काम का है। तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी में चले जाना है, एंड देन यहाँ पर यूटिलिटी में चले जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू में जाके मूवीज का, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी थीम्स पहले से क्रिएटेड मिल जाएंगी। या बोल सकते हैं पहले से आपको डिटेल में ये मिल रही है, आप देख रहे हैं दे ग्रो अप, सो फास्ट, लव स्टोरी, फ्रेंडशिप मूवी, फैमिली मूवी, पेट मूवीज, आईयर ऑफ स्माइल, सेल्फी मूवीज एंड लविंग मेमोरी। जो भी आपको इसमें से कोई अच्छा लग रहा है आपको उस पर क्लिक कर लेना है उस क्रिएट मूवीज जाके, और वो ऑटोमेटिक आपके लिए वो वीडियो बना लेगा। तो ये आपके लिए खुद ही बना लेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा किस चेहरे पे बनाना है, किसके लिए। जैसे कि मान लो मैंने अपना ही फेस यहाँ पर चूज कर लिया और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया, तो मेरी जितनी भी फोटोज होंगी उससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिक एक मूवीज बना लेगा ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं पूरी ऑटोमेटिक ये मूवी बन चुकी है, बैकग्राउंड में साउंड भी ऑटोमेटिक डल चुका है। जो भी मेरी फोटोज थी या जो भी मेरे नाम पर टैग थी, सब उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट कर लिया। मोशन भी सब ऑटोमेटिक लग गए, सारी चीजें ऑटोमेटिक हुई हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया। आपको अच्छा लगे इसको सेव करो और जाने दो। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। और अगर मान लो जैसे आपको किसी चीज का चूज करना है, तो फिर जाएं आप जिस किसी और बंदे की फोटो चूज करना है,
फिर चूज कर लो, फिर वहां से फोटोज निकाल लेगा, फिर उसका वो बना देगा। तो बहुत ही शानदार ये मुझे फीचर लगा इसके अंदर का, इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, और वापस अगर हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।